अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। शोहर की मौत के बाद फहमीदा अपने ख़ानदान वालों का सहारा लेना चाहती है तो उसका दुश्मन उसका हुसन फहमीदा से पहले दुश्मनों के दिलों में आग लगा देता है। जब हाजरा और रुकैया के शोहर मकनातीस की तरह फहमीदा की तरफ बढ़ते हैं और उनके लड़के फहमीदा की लड़कियों की तरफ, फहमीदा तो ख़ुद को बाल बाल बचाती है जबकि नजीब कई बार निकाह की कोशिश भी करता है और इसको अपनी अन्ना का मसला भी बना लेता है। ख़ुद निकाह करने के लिए अपने ही बेटे की खुशियां दांव पर लगा देता है और उसकी शादी दुर्दाना के बजाय बतूल से करवा देता है। रुकैया की तो पांचों उंगलियां घी में होती हैं, बेटी भी ब्याह देती है और बेटे का रिश्ता भी गुलनास के बजाय कहीं और कर देती है। अब कौन सी फहमीदा और कौन सी उसकी बेटियां? फहमीदा हैरान होती है कि कैसे रुकैया ने इन सब को मक्खी की तरह निकाल बाहर किया है। फहमीदा हैरान होती है, क्या वो वाकई ही इतनी बेवकूफ़ है या सादा कि लोग इनके जज्बात से खेलते जाएं? अब क्या होगी फहमीदा की हिकमत अमली? क्या चुप रहेगी या चुन चुन कर बदला लेगी या बेटियों के साथ मिलकर कोनों खुदरों में छुप छुप कर आंसू बहाएगी? सच कहते हैं, हुसन और शराफत साथ हो तो लोग वाकई ही सांप बन जाते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।